अच्छा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्की, और इस टिक्की को खाने के बाद आप टिक्की को जंक फूड बिल्कुल नहीं कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको बुला बुला कर ये टिक्की खिलाएंगे। इसके लिए मैंने आलू उबाले हैं और आलू को उसका चूरा कर लिया है, इसको पीस लिया है। उसके बाद मेरी रसोई में बचे हुए चावल थे, मैंने उसका भी बिल्कुल चूरा कर लिया है। अगर आपके पास बचे हुए चावल ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसमें चावल के बचे हुए जो चावल होते हैं वो भी आप पीस कर इसमें मिला लीजिए। उसके बाद आप सारी सब्जियां इसमें दिल खोल कर डालिए। आपके पास जो जो सब्जियां, ये प्याज है कटी हुई बारीक, ये हरी मिर्च है, ना 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 सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी ही डालूंगी, खाना तो मुझे ही है ना। उसके बाद ये बीन्स है कटी, नहीं ये शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, खूब सारी सब्जियां डालिए दिल खोल कर। मैं कह रही हूँ ना, इतनी सारी कैबेज है कटी हुई डालो। उसके बाद ये स्वीट कॉर्न है, डालो स्वीट कॉर्न। उसके बाद है ये कैरेट, कितना सुंदर कलर होता है ना कैरेट का, ये भी डाल देते हैं। उसके बाद ये है बीन्स, फ्रेंच बीन्स, कोई सी भी बीन्स हो, कोई सी भी सब्जी हो आपके पास, हरे मटर हो, कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद पुदीने के पत्ते, खुशबू आएगी बिल्कुल, इसको तोड़ के थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दीजिए। अब इसमें डालना है आपको थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, ये डाल दिया हमने। और उसके बाद हमें डालनी है थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च हमें क्यों डालनी है, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब हमको तभी हजम होते हैं जब हम काली मिर्च खाते हैं। काली मिर्च खाने से बहुत जल्दी ये ब्रेक हो जाता है हमारी बॉडी में और बहुत जल्दी ये हजम हो जाते हैं हमको। बस अब इसका खुशुमर निकाल के हम इसको गूंथ लेंगे आटे की तरह। हाथ में जरा सा तेल लगाइए, कोई सा भी तेल लगाइए, और पैन में तेल डाल दीजिए। मैंने सरसों का तेल डाला है, और इसकी टिक्कियां बनाते जाइए और इसमें डालते जाइए। बिल्कुल हमें शेलो फ्राई करना है, कुरकुरा बनाना है, बनाइए टिक्की हाथ से और इसमें डाल दीजिए। ये देखिए करीब करीब 2.5 मिनट हो गए, अब इनको पलट कर देखते हैं कि ये सिकी है या नहीं। अरे वाह क्या सुनहरा रंग आया है देखिए, और हर बाइट में ना आपको एक नया स्वाद मिलेगा। हमने इसमें कम से कम 6 तरह की तो सब्जियां डाली हैं, फिर हमने इसमें चावल इसलिए डाले हैं, नहीं तो हमें अरारोट डालना पड़ता है इसको बाइंड करने के लिए, और अरारोट तो आपको पता ही है कि हेल्दी नहीं होता, लेकिन चावल से ये कुरकुरी भी हो जाएंगी, इनकी बाइंड भी हो जाएगी, ये देखने में भी अच्छी है, खाने में भी सुंदर है, और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स है, जो भी खाएगा इतराएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी देना। अभी मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। देखिए सब्जियों से भरी शानदार एकदम करारी कुरकुरी टिक्कियां तैयार हैं, और ये इतनी करारी हैं, ये देखिए कितनी करारी हैं, गर्मा गर्म और मजेदार। और सबसे बड़ी बात तेल नहीं सूखा, देखिए नीचे मैंने टिश्यू पेपर लगा रखा है और तेल नहीं आया है, ये देखिए बिल्कुल नाम मात्र का तेल है। तो ये ना तो तेल सूखती है और इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं, तो कोई मना ही नहीं करेगा, आपकी मेहनत भी बढ़ाएंगे। शानदार, बनाइएगा जरूर, खाइएगा जरूर। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।